चीजें पिक करती रहती हूँ ताकि मेरा घर दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट लगे। तैरती अच्छी लगती है, उसकी तरी नहीं अच्छी लगती मुझे। छप्पड़ में कहाँ पे तैरती देखी आपने? डक सुन ले हाउ ही मैंने मिमी ताजी बनावांगी प्यारी तेरे इदा बदले लाने क्या डालती हो ये तो गजब का टेस्ट बना बना। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत ही प्यारा सनी दिन है एंड आपको मैं अपना प्यारा सा पौधा दिखाती हूँ। मैंने ना किसी का कमेंट पढ़ा कि होम टूर करो। होम टूर के लिए मेरा घर इतना रेडी नहीं है जैसा मैं रेडी चाहती हूँ। आई डोंट नो कब करूँगी, मैं करना चाहती हूँ बिकॉज़ अगर आप मेरा घर देखना चाहते हैं मैं दिखाना चाहूँगी, पर अभी उस किस्म का रेडी नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। एंड ऑल्सो उन्होंने कहा था कि मेरे घर के कोने दिखा दूँ। आज मैं आपको ये वाला कोना दिखा देती हूँ। सो मेरे घर के दो डिफरेंट कोने दिखाती हूँ। एक तो ये है जहाँ पे मैंने साइड टेबल रखा है फॉर टेम्परेरी। इसको एक्चुअली मैं ऑफिस में रखना चाहती थी पर मुझे लगा कि ये यहाँ पे परफेक्ट फिट है ऑफिस को, क्यों डिस्टर्ब करना, यहीं पर रख देते हैं। एंड ये प्यारा सा मॉन्स्टेरा है जो कि काफ़ी खुश एंड अच्छा ग्रो कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगी, इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए। एंड हस्बैंड इससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो जब भी अपने ऑफिस में जाते हैं उनको ये पत्ते परेशान करते हैं क्योंकि ये काफ़ी दूर तक ग्रो कर रहा है। मेरे प्लांट्स हैप्पी एंड ग्रो करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड इसने अपने गमले को भी आउटग्रो कर दिया है, इसको भी मैं चेंज करूँगी फ्यूचर में, अभी नहीं करने वाले, थोड़े समय इसको रहने देंगे। एंड जो आर्ट पीस है ये मैंने होम सेंस से लिया है। ऐसी रैंडम चीज़ें मुझे पिक करना अच्छा लगता है। मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली एंटीक स्टोर्स में, विंटेज स्टोर्स में एंड थ्रिफ्ट स्टोर में जाती हूँ, होम गुड्स, विनर्स, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पिक करती रहती हूँ ताकि मेरा घर दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट लगे। क्योंकि जब हम वो रेगुलर फर्नीचर स्टोर से चीज़ें खरीदते हैं ना तो सभी के घर सेम लगते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो घर है वो रिप्रेजेंट करे आप कैसे हैं। लाइक आप जब किसी के घर में जाते हैं ना आपको वाइब आती है, डेकोर ऐसा होता है कि उस बंदे की पर्सनैलिटी आपको पता चल जाती है। सो मैं कुछ भी नहीं खरीदना चाहती हूँ, मैं बहुत लंबा समय लगा के चीज़ें खरीद रही हूँ, इसीलिए मैं होम टूर करने के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा घर रेडी है। और मैं कल ही नहीं मचा रही हूँ कि जल्दी जल्दी फिनिश करें, या कुछ चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी फिनिश की हैं पर वो भी जो मुझे पसंद आया है। सो ये कॉर्नर है एक, सो ये एक एरिया है जो बिल्कुल मेन डोर के सामने है, इसको भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है। आई थिंक वो थ्रिफ्ट स्टोर से मिला था मुझे वुड का पीस, उसके नीचे मैंने एक बड़ा सा लकड़ी का बोल रखा है जिसमें हम आते ही चाबियां रख सकते हैं। दूसरा उसके ऊपर बुक है मेरी फेवरेट, एंड देन बहुत ही प्यारा बुद्धा का स्टैचू है, उसके ऊपर ये लकड़ी के आर्ट है। ये मैंने क्योंकि बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता ना बुद्धा को, ऐसा लग रहा है कि बुद्धा का ऑरा है ये। एंड वो साइड में पॉट में कुछ रैंडम चीज़ें पड़ी हैं। वैसे ये वो जो गुलाबी फ्लावर्स है वो स्प्रिंग के लिए है बट आई डोंट केयर। सो या एक कॉर्नर वो है जिससे मैं खुश हूँ, थोड़ा अभी थोड़े टाइम के लिए ठीक है, बाद में मैं इसको चेंज कर दूँगी क्योंकि फ्रीक्वेंटली चीज़ें चेंज करना मुझे अच्छा लगता है। ये जो सूखे फ्लावर है ये मैंने मेरे घर के गार्डन से उतारे हैं, ये एक्चुअली फॉल के लिए अच्छे हैं पर आई डोंट केयर। सो गाइस, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सनी दिन है। मैंने मेरे हस्बैंड को एक प्रपोजल दिया है, उनका जो काम है वो फिनिश हो चुका है। मैंने कहा है कि क्यों नहीं हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। सो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, देन मेरे साथ वो प्यारी एंटीक विंटेज थ्रिफ्ट स्टोर्स में अगर मेरे साथ कंपनी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आई होप वो चलेंगे, वो तैयार होने के लिए गए हैं, उम्मीद तो है, देखते हैं।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको मेरे फेवरेट प्लेसेस पे लेके जाने के लिए। वैसे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है बहुत चीज़ों में, मैं चाहती हूँ कि वो घर पे रहे मैं अकेले जाऊँ, पर उनका साथ आना भी मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक हिज कंपनी, आई लाइक बॉदरिंग हिम, आई नो हिम सिंस आई वाज 18, नाउ आई एम 40, इट्स अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली मैं जल्दी से ना अपने लिपस्टिक चेंज करके आती हूँ। ओके, हस्बैंड आ चुके हैं तैयार होके, पर उनकी हमेशा की यही गल है कि वो मेरा स्टाइल कॉपी करते हैं। ही इज वेयरिंग माय स्टाइल, काली काली अंदर वाली एंड बाहर को पॉपुलर ही बहुत प्रिटेंडिंग नथिंग हैपेंड, लाइक किसी ने किसी का स्टाइल चोरी नहीं किया, कॉपी कैट करना है जेडे एक दूजे का स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। यू आर अ कॉपी कैट, मुक्की खानी तुम मेरे को, तुम लैके नहीं जाना, मैं अपने आप नया तुम घर ही रहो, यू आर गुड हेयर, I'm leaving. प्यारी तू तो इतना मजे लेंदी है जिद्दा सितंबर महीना हो गए। गाइस अगस्त का ऑलमोस्ट मिड आ चुका है, अगस्त का दिसंबर का ऑलमोस्ट। देखो जब बंदा 5-6 दिन बाद नहाता है तो चाक चढ़ता है। भाई लोगों ने सीरियस ला लिया ना, तुम 5-6 दिन बाद नहाने। सो हम लोग आ गए बहुत ही प्यारे से ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट में, इसका नाम है ब्रो किन ब्रेकफास्ट, एंड हम सोच रहे थे कि पता नहीं बिजी होगा या नहीं, आज वीकडे है एंड काफ़ी क्राउड है, आप मुझे शायद ही सुन पा रहे होंगे। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉफ़ी के साथ, एंड हस्बैंड अपनी डिग्री करनी शुरू कर दी उन्होंने, पढ़ाई मेन्यू दी पढ़ाई शुरू कर दी है, क्या खाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, मैं हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहूँगी, लेट मी सी व्हाट आई कैन। रोटी खानी पसंद नहीं ना, आला है मेरे हस्बैंड को ना अंधेरे में खाना खाना अच्छा नहीं लगता, उनको लाइट चाहिए, हम पता नहीं लाइक तो बहुत ही रोशनी चाहिए होंगी, यू नीड लाइक लैम्प ऑन द फूड लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, सो आ पतिया इन्होंने लैम्प लाया। प्यारी तेरी इंटरोगेशन भी हो सर दिया, जा स्मार्ट बनने की लोड़ नहीं है। I'm gonna share with husband. Take the waffle. लास्ट टाइम मेरे बर्थडे पे हम यहाँ पे खाने के लिए आए थे ना टोस्काना, जो उसके सामने ही है। ओके, सो हमारा पहला काम हो चुका है ब्रेकफास्ट करने का, ब्रेकफास्ट अच्छा था एंड आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ब्रेकफास्ट, पर मेरे ख्याल से ऑप्शंस का था ब्रेकफास्ट अगर आप सिंपल सादा ब्रेकफास्ट खाते हैं तो, पर यार दे कैन डू इट। हैश ब्राउन में डक फैट की सीजनिंग करते हैं, एंड मेरे हस्बैंड को डक बहुत प्यारी लगती है। वो छप्पड़ में तैरती अच्छी लगती है, उसकी तरी नहीं अच्छी लगती मुझे। छप्पड़ में कहाँ पे तैरती देखी आपने डक? चल आते ना होने में खाओ। हाँ थे दे छप्पड़ा जिया बोल तो ना, मैं नवा नाम देना चाहूंगी। ओके गाइस, अगर आपको फ्रोजन पिंडी अच्छी लगती है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं स्लाइस ओकरा, मैनू नहीं वधिया लगती क्योंकि
वो फ्लेवर बनता ही नहीं जो फ्रेश का बनता है। हस्बैंड कह रहे थे ना कल की ओ इन्नी मेरे ना करया कर मैं बाहरों ले आना आलो ओ चल किते ना गल्ला करी जन्नी आ शोले हाउस वी मैं ते मम्मी ताजी बनावांगी प्यारी तेरे ना इदा बदले लेने तू या गरम कर लियो मैं ते मम्मी नवी ताजी कढ़ाई खावांगी मर्दा मर्दा ना मैं खावा मैं कल मेनू क्यों क्या हैगा तू की नॉन क्यों बनानी मैं फ्रोजन ला लूंगा हसन दे हाडे ते दोनों ते कल क्यों क्या की रुपये दे आंदे यार प्यारी सारी दुनिया आ खांदी आ मीमी नु अज पूरी बना के देनी तू या खा लो बहु कोई पत्नियां अपने पतियां नु अड्डा करतियां हो गया की फ्रोजन परौंठे आप गरम खानी है ओनु फ्रोजन देनी है। हस्बैंड ने ना नॉनवेज खाना बंद किया है पर वो सी फूड खाते हैं लाइक फिश ही खाते हैं या प्रॉन्स खा लेते हैं तो अपने लिए वो वाइल्ड कॉट सैल्मन देखने वाले हैं अगर उनको मिलेगी तो। प्यारी तू नॉनवेज खानी नहीं है? मैं सिर्फ सी फूड खाता हूं। चलो मैं कुकिंग भी शुरू करनी है। एक बज चुका है और हिम्मत आएगा स्कूल से 2:30-3 बजे के अराउंड तो मेरी कोशिश होती है कि जब वो घर पे आए और ताज़ा मील बना हुआ हो। जब मैं स्कूल से आती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था गरम गरम फूड मिले। अगर मेरी मम्मी ने रोटी तवे से ला के बंद की थी लाइक जस्ट बनी थी तब भी नहीं खाती थी मैं। तवा ऐसे उतरती मेरी अखों के सामने हो तब भी खाती थी। हस्बैंड ने जितनी मर्जी पुरानी दे दो साल पुरानी रोटी 2 साल पुरानी खा लेंगे सो मैं नहीं खा पाती थी और हिम्मत भी वैसा हो रहा है। मैंने उसे कहा कि तू थोड़ा बड़ा ठंडा रहा जितना दी मल्ली खा लिया खा ऐसे मैं नहीं हाँ हमेशा बनेगी तेरे लिए। वो कहता इज दिस ओल्ड रोटी मम्मी ओल्ड रोटी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। जल्दी से चने को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ एंड पूरी का आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि एक ही घंटा है मेरे पास और मैं चाहती हूँ कि मैं हिम्मत को प्यारा प्यारा गरम गरम मील सर्व करूँ तो चने जल्दी बॉयल हो जाएंगे क्योंकि रात को भिगो के रख दिए थे मैंने। पर इसमें मुझे अनियन क्रश करके ऐड करना है एंड थोड़ा सा गार्लिक भी क्योंकि तड़के में मैं सिर्फ टमाटर अदरक हरी मिर्च ऐड करूँगी। मैंने बॉयल होने रख दिया। हस्बैंड इतनी देर से अंदर ही नहीं आया। मैं सोच रही हूँ कि किसी मल्ले वाले बंदे के साथ बातचीत कर रहे होंगे। फिर मैंने बाहर जाके देखा कि क्या कर रहे हैं क्योंकि आँख रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पति करते क्या है ना। सो मैंने देखा कि वो तो तोप सेक रहे हैं तो मैं के पीछे रहूँ मैं भी सेकूँगी। संतरे नहीं तू ही केड़े महीने की धुप सेकन दिया ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿਹ ਔਰੰਜ ਲਿਆ ਸੰਤਰੇ ਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਮਾਲਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਹੀ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਫੀਲਿੰਗ ਸਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੱਲੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਭੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉੜ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਦ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਕਹੀਏ ਬੈਠੀਏ ਆਪ ਮੈਡਮ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੈਠੀਏ ਲੱਤ ਪੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ ਲੇਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਖਲੋਵੋ ਇਹਦਾ ਬਈ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਤੁਸੀਂ ਗਈ ਆ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਐਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਗਈ ਆ ਗਾਈਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਅਬ ਜਾਏਂਗੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸੇ ਜਾਏਂਗੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੈਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਨਾ ਬੈਲੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕੈਸੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਹੋ ਨਾਈਸ
स्कूबी को घुमा रहे हो? हाँ, बॉयज होते हैं शैतान। बॉयज भी होते हैं, ये तो बहुत ही है। स्कूबी स्कूबी लुक, एक बार दो बार दे आपको सुनिएगा ना तो उसे ये हो जाएगा, मेरा दोस्त बन जाएगा। तो उसे लग जाएगा कोई तो पहचान वाला है, बैठ जाएगा। कितनी एज है इसकी? ये 10 महीने के हो गए हैं। तीन महीने? 10 छोटा अभी तो, फिर अभी छोटा है। हाँ, ये फिर तो ज्यादा शैतान होते हैं छोटे। 14 फरवरी का है ये। स्कूबी इस फरवरी में उसे 1 साल हो गया। स्कूबी बाल कितने सुंदर है ना इसके। तो ये गिरते हैं बाल इसके? नहीं 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 गिर, ये देख के ही लिया है ना। कुडल है ना ये? हाँ कुडल है, कुडल के गिरते नहीं ऐसे बोले है ना। हाँ जितने इसके बाल है। एक बार कट करके लाए है। अच्छा अच्छा, ये ज्यादा नहीं बढ़ता, ज्यादा ज्यादा इतना। हाँ ये मीडियम है। एक होता है वो इसी की ब्रीड का, वो बड़ा। नहीं नहीं ये नहीं बड़ा, उसके माँ बाप तो इतने ही है। अच्छा, नहीं थे। वॉश करती है, वो करती है उसके, वो वॉश भी करती है उसका। हाँ वो प्यार करती होगी ना ज्यादा। स्कूबी नो मम्मी, नो नो मम्मी, उसको उसको देख रहे हाल है। स्कूबी इज नो मम्मा, नो मम्मा, नो मम्मा, स्कूबी नो मम्मा, स्कूबी पॉक बाल की नहीं सॉफ्ट। हम 2 महीने का था लाया था, तब लाए 2 महीने। 8 महीने हो गए उसे अभी। सो हिम्मत के घर आने में 30 मिनट बचे हैं एंड अब हमें फास्ट ट्रैक में काम करना पड़ेगा। एंड मैं ना काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ एंड नींद भी आ रही है मुझे, एंड मेरी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया है। आटा मैंने गूंद लिया है। क्विकली चने को तड़का लगाने की तैयारी करते हैं जब तक वो बॉयल होते हैं। सो हमें फास्ट पेस में काम करना पड़ेगा। ओह गॉड, बैक में पेन होना शुरू हो गया है। सो कोटी मेरे काम की स्पीड को बहुत कम कर रही है, उसको रिमूव करके हम पहनेंगे एप्रन। और इस एप्रन का लिंक मेरे अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट पे है। ये बहुत ही प्यारे क्यूट से एप्रन है। इसे पहन के एक तो आपके कपड़े बच जाते हैं एंड दूसरा आप बहुत ही क्यूट लगते हैं। इन एप्रन्स को बोलते हैं जापानीज एप्रन्स। सो आप इसको ख़रीद सकते हैं, मैंने 3-4 अपने फेवरेट कलर ख़रीद के रखे हैं। सो अगर आपको फास्ट पेस में काम करना है तो अगली चीज़ है अपने बालों को बांध लें। रेकमेंडेड है कि जूड़ा करें ताकि फूड में बाल नहीं जाएं। यार मेरी ना बॉडी में पेन होना शुरू हो गया, आई थिंक आई नीड टू ईट दवाई। मैं बहुत ज़्यादा पाँच दौड़ करती हूँ, बहुत प्रिटेंड करती हूँ कि सारा कुछ नॉर्मल है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, पर कई बार ना शरीर जवाब दे देता है। पर हम हारेंगे नहीं, हम वैसे ही रहेंगे। आई विश कि जितना मेरे मुझ में पहले एनर्जी होती थी वैसे ही आ जाए वापस, पर वो नहीं आने वाली है। इसी को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने कैसे रहेगा। इट्स नॉट ईजी बट इट्स पॉसिबल। सो अपने आप को एनर्जेटिक रखने, अभी अगर मेरे मुझे खाना नहीं ना बनाना हो तो मैं आराम कर लूँ थोड़ा सा, पर मेरी आदत ऐसी है कि मैं आराम कर ही नहीं सकती। जब मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, मैं सो नहीं पाती हूँ या फिर रिलैक्स नहीं कर पाती हूँ, जो कि बहुत बुरा है। आप को जब समय मिले आप रिलैक्स कर लें ताकि आप रीजावनेट हो जाए नए कामों के लिए। मेरे ना कुछ होता रहता है कि मुझे वो करना है, वो करना है, वो करना। मैं सिर्फ बेड पे जाऊंगी रात को, एक दिन में मुझे आप कभी भी बेड पे लेटे हुए नहीं देखेंगे, बस दौड़ पाज में पड़ी रहती हूँ मैं। या जितनी एनर्जी मुझ में आज है, मुझे नहीं पता कि कल ऐसी होगी या नहीं, शायद हो, शायद बहुत ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे भी आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और जब आपकी बॉडी किसी क्रियोनिक पेन में हो तो चीज़ें वर्स भी हो सकती हैं। सो या जल्दी से तड़का लगा लेते हैं, फिर रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस ब्लॉग को जल्दी फिनिश कर देंगे ताकि मैं रिलैक्स कर पाऊँ, नहीं तो फिर ना मुझे हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, राइट। सो तड़के की तैयारी करते हैं, टमाटर अदरक एंड ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बनाते हैं। तो ये है जिंजर, ये इतना जिंजर लेके इसे क्रश करके इसकी मैं एक टी बनाने वाली हूँ 1 लीटर पानी में, और वो पानी हम रात को सोने से पहले तक फिनिश करेंगे। इससे इन्फ्लामेशन कम होती है आपके पेट के लिए, बहुत सारे गुण हैं इसमें। सो ये मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में है या बहुत अजीब सा फील होता है, टायर्ड हूँ, लाइक थकावट फील होती है, तो ये करती हूँ मैं। सो इसको
हम स्टीप होने के लिए रख देंगे, फिर वो कड़वे पानी को पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। छिलका रिमूव नहीं करती हूँ मैं क्योंकि छिलके में बहुत ज़्यादा असर होता है। इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, देन कद्दूकस कर लेंगे एंड हमारे लिए एक जिंजर टी बनाते हैं, थोड़ा सा शॉट हस्बैंड को भी दे देंगे। ये हर कोई बंदा नहीं कर सकता, आपको अपनी बॉडी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी कैसी है, क्योंकि कईयों की बॉडी हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करती है, उनके लिए नहीं अच्छा है। कईयों की बॉडी ठंडी होती है, उनके लिए ये अच्छा है। बाय द वे, ये जो जिंजर है ये ऑर्गेनिक है और हमने कॉस्को से लिया है। जो ऑर्गेनिक पेरू का जिंजर है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, बहुत ही ज़्यादा रिच है ये। थोड़ा सा जिंजर ही बहुत फ्लेवर दे देता है। सो जो रेगुलर ग्रॉसरी स्टोर से जिंजर मिलते हैं वो उसका फ्लेवर इससे डिफरेंट होता है। सो इसे 1 लीटर पानी को हम स्टीप होने देंगे घंटे तक। आप देखें कि कितना रिच है ये अदरक, कैसा इसका रंग हो गया। जो भी तू यह कर सारा पा देना। सो मैं भी एक पूरी खा लूँगी, थोड़े से चने खा लूँगी, इतनी ज़्यादा मुझे भूख नहीं है। सो ये मेरा लंच एंड डिनर होने वाला है, इसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। 4 बज चुके हैं ऑलरेडी। सो अच्छा फ्लेवर बनाया चने का एंड आप भी ट्राई करना इसकी रेसिपी। इसकी रेसिपी स्मॉर्गन कुक पे है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। गाइस समय हुआ है 5:00 PM, मैं हिम्मत को थोड़ी हेल्प करूँगी उसकी स्टडी के लिए एंड बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, सम रीज़न बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। मेरी आर्म्स में ना पेन होना शुरू हो गया है एंड लेग्स में भी। सो मैं सोच रही हूँ मैं प्यारा सा हॉट बाथ लेके थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ एंड उसके बाद मुझे कल अपलोड करने वाला व्लॉग भी एडिट करना शुरू करना है, अदरवाइज़ मैं मिस कर दूँगी एंड ताकत नहीं है मुझ में आज ये सारा काम करने की। सो आज के इस व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये प्यारा क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए, क्योंकि बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ मैं एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। हस्बैंड को ना मसाज करने के लिए बोलते हैं, आई होप वो कर देंगे। मेरी ना नेक में भी पेन हो रहा है, नेक का पेन अभी तक गया है नहीं है, आई डोंट नो कब जाएगा। थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कम, बट या फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है। दिस इज सैड।
आपको जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग में कल. अपना ख्याल रखें एंड आई लव यू सो वेरी मच. बाय लालू.